कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक ही होंगे। तो चलिए आज फिर से लेके आए हैं और एक नया अपडेट जो कि खूंटी जिला का है। यहाँ 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता स्थान रेमता पोस्ट तारो सिलादौन थाना जिला खूंटी, ये रेमता मैदान का है, जो कि दिनांक 1 सितंबर 2024 दिन रविवार। प्राइज ये जिसमें 8 टीम का मैच निकाला गया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार है 1,60,000, द्वितीय पुरस्कार है 1,10,000, तृतीय पुरस्कार है 30,000, चतुर्थी पुरस्कार है 30,000 और इसका एंट्री फीस है 30,000 रुपया। उसके बाद इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं दिनांक 30/8/2024 दिन शुक्रवार। इस दिन भी 8 टीम का मैच निकाला गया है, जिनमें प्रथम पुरस्कार है 15,000, द्वितीय पुरस्कार है 10,000 और इसका एंट्री फीस है 3,100 रुपया। उसके बाद 31 तारीख को भी मैच निकाला गया है, 31/8/2024 दिन शनिवार 8 टीम का मैच होगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार है 20,000, द्वितीय पुरस्कार है 15,000 और इसका एंट्री फीस है 4,200 रुपया। मैच 11-11 खिलाड़ियों का होगा और प्रत्येक मैच 20+20 मिनट का होगा। अगर आप लोग यहाँ रेमता फुटबॉल टूर्नामेंट में अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेटी से संपर्क कर सकते हैं, जो कि नीचे दिया गया है नंबर। और एक अपडेट की तरफ जाते हैं, जो कि ये रिंग रोड रांची का है, जो कि 5वां मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 स्थान नया बुसुर स्कूल मैदान रिंग रोड के बगल में 8 सितंबर 2024 दिन रविवार बालक वर्ग का होगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार है 2,21,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार है 1,71,000 रुपया, तृतीय पुरस्कार है 25,000 और चतुर्थी पुरस्कार है 25,000 और इसमें प्रवेश शुल्क है 23,500 रुपया। उसके बाद यहाँ बालिका वर्ग का भी मैच निकाला गया है, जिसका शुभारंभ 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार, जिसमें प्रथम पुरस्कार रखा गया है 35,000, द्वितीय पुरस्कार रखा गया है 25,000 और बालिका वर्ग का एंट्री फीस है 4,000। बालक वर्ग का जो मैच होगा वो कुल 16 टीम का होगा और बालिका वर्ग का जो मैच होगा वो 8 टीम का होगा। एक टीम में 4 विदेशी प्लेयर खेल सकते हैं, तो 4 से ज़्यादा एक टीम में विदेशी प्लेयर नहीं खेल सकते हैं। अगर आप लोग को भी यहाँ बुसुर मैदान में अगर खेलना या एंट्री लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेटी से संपर्क कर सकते हैं, जो कि यहाँ नंबर दिया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में।